से गूगल पे पूरा हम उनका रिकॉर्डिंग भी है, पैसा भेजे थे गूगल पे वो भी सब है, स्क्रीनशॉट रखे हैं, पता नहीं रात को क्या कर दिए, चैनल पूरा थी मानो एकदम जीरो हो गया, वास्ट टाइम 4000 वास्ट टाइम पूरा हो गया था, 1200 सब्सक्राइबर था, चैनल खत्म हो गया, चैनल है अभी भी। अच्छा, पैसा भी ले लिए? पैसा भी ले लिए, स्टूडेंट हो गया, मेरे 3 बेटियाँ हैं पढ़ाने लिखाने, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है मेरा मदद करने वाला, आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों का, आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा दोस्तों, मेरे घर का कुछ भी कहेगा तभी भी हम काम करें, हम अपना पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने बच्चों को भविष्य को देखना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कराना चाहते हैं दोस्त। किस कैटेगरी का वीडियो बनाते हैं? हम शॉर्ट भी बनाते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं, लगा था तो वहीं जा रहे थे दवाई के लिए, तब गोरखपुरिया भौजी के घर गए थे तो उनके महादेव बोले कि भाभी हैं नहीं, आप लोग घर चले जाइए, तो नंबर दिए हम, नंबर पर इतना बार फ़ोन किए मदद मांगने के लिए, लेकिन फ़ोन वो नहीं उठाते हैं, तो हमारे सिस्टर यहाँ पर रहते हैं, तो हम वीडियो देखे हैं भाभी का, बोले हैं छन बिटिया का जन्मदिन आप लोग सभी लोग आइएगा, तो इसीलिए हम वीडियो बनाती है, नाचती है कूदती है, बोलते हैं लो, तभी हम किसी को सुनते नहीं हैं, हम अपना वाली करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वीडियो में उनका सीन लेती हैं? नहीं, उनका नाम लेती हैं? नहीं, किसी का नाम नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल, अभी मैं जनपद गोरखपुर में हूँ, और गोरखपुर में मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे अभी पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे, गोरखपुरिया भौजी के कार्यक्रम स्थल पर। अभी मैं मैरिज हॉल के बगल में हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे जानते हैं कि जब पार्टी वाला काम होता है तो वहाँ पे गाना बजाना सब कुछ होता है, तो कॉपीराइट का डर रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बगल में हूँ। हमारे साथ देखिए एक हैं ब्लॉगर हैं, प्रियंका सिंह 1998, प्रियंका जी हैं, ये इनसे बातचीत करेंगे, ये भी गोरखपुरिया भौजी के बिटिया के बर्थडे में आई हैं, तो सब कुछ जानते हैं, पहले इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? स्वागत है। मेरा नाम है, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है, मेरा नाम है प्रियंका सिंह 1998, मेरा चैनल का नाम है, और मेरे दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हूँ कि मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे पति के दोनों आँख से दिखाई नहीं देता है, मेरे पति का 11 जनवरी को एक्सीडेंट हो गया, मेरे 3 बेटियाँ हैं पढ़ाने लिखाने, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है मेरा मदद करने वाला, आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों का, आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा दोस्तों, मेरे घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। देखिए रोइए मत, पहले ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं? हमारा घर रुद्रपुर चौराहा से 10 किलोमीटर आगे है, हमारे गांव का नाम है रामपुरवा, गोरखपुर में, गोरखपुर से हम लोग का 80 रुपये भाड़ा लगता है। अच्छा, किस क्षेत्र में? बढ़ालगंज की तरफ है क्या? अरे उधर खलीलाबाद की तरफ? नहीं, रुद्रपुर जानते हैं, गोरखपुर से रुद्रपुर, रुद्रपुर से हम लोग को पिर्रा घाट जाना पड़ता है, उसके बाद हमारे गाँव जाना पड़ता है। फिर कैसे आई हैं? वहाँ से बस से आए हैं। बस से आए हैं जी। तो पति के आपको पहले दिखाई देता था? सब पहले दिखाई देता, अच्छे थे, स्कूल में गाड़ी चलाते थे, हमारी जो बेटियां दोनों पढ़ती हैं उसी स्कूल में गाड़ी चलाते, 5000 रुपया तनख्वाह मिलता था हमारे हस्बैंड को, इतना अच्छा खासा हमारा घर चल रहा था, गाड़ी सर्विसिंग करा के घर आ रहे थे, रात को 8 बज रहा था, और गाड़ी एक बैग पूरा खाली चढ़ा, पेड़ में टक्कर लग गया, हम लोग बहुत जगह दिखाए, लखनऊ चेन्नई मदुरई सब जगह दिखाएं, लेकिन बोल रहे डॉक्टर सही नहीं होगा, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल में आप लोग लेके जाइए सही नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा पास हो जाइए और ऊपर, यहाँ कई जगह मतलब दिखाएं, कहीं नहीं जो है रोशनी आई? नहीं, कहीं नहीं आया, गाड़ी भी था वो भी बिक्री कर दी दिखाने में, पूरा चंदा हम लोग गाँव से लगाए लोग, तभी भी नहीं सही, बोल रहे सही नहीं होगा अभी। तो फिर कैसे अब खर्चा वर्चा कैसे फिर चल रहा है? खर्चा बर्चा चल रहा था, जो गाड़ी बिक्री था उसी में पैसा, उसी में थोड़ा बचा था, उसी से चल रहा था, हमारे घर में जैसे गाड़ी जब बिक्री किए थे तो कुछ 10-20 हज़ार रुपया बचा था, घर में छोटा सा दुकान खोले हैं वही चलाते हैं, तो वही हमारे हस्बैंड घर पे हैं और अपना सिस्टर को घर पे रख के आए हैं, बोले जाओ तुम बुलवा के आना चैनल, हम घर पे रह रहे हैं, वो भी आने वाले थे इसीलिए नहीं लेके आए, 3 बच्चों को लेके उनको लेके कहाँ जाएंगे। देखिए मतलब इनके पति सही सलामत थे, अच्छे खासे थे और काम कर रहे थे, यानी ड्राइवर थे, गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी हादसा होता है, एक दिन एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में इनके पति की दोनों आंखें चली जाती हैं, और आप समझ सकते हैं कि जिनको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा हो और अचानक आँखों से कुछ न दिखाई दे तो फिर उनके पे क्या बीतेगी, और उन्हीं के वजह से उनके परिवार का, इनके परिवार का पूरा खर्चा वर्चा चलता था, आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ड्राइवरी करते थे, और ड्राइवर का काम होता है कि आँखों से देखना और हाथ पाँव चला के गाड़ी चलाना, तो वो जब सब कुछ करते थे तो 2 पैसा का इनकम होता था और खर्च चलता था, लेकिन जब वही आँख ही नहीं है तो सब बंधक रख दिए, सब रख के दवाई करें, कुछ भी नहीं, कहीं से 1 रुपया आएगा नहीं, बताइए खेत उत कहाँ से हम छुड़वाएंगे, हमारे 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटी स्कूल गई, 1 बेटी को लेकर आए हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे क्यों आई हैं यहाँ पे?
यहाँ पर गोरखपुरिया भाजी बोली थी, जैसे गोरखपुरिया भाजी के घर भी गए थे तो उनका महादेव बोले कि भाभी है नहीं, चले जाइए आप लोग घर। अपने हस्बैंड को लेकर गए थे जब दवा से गोरखपुर से, हमारे हस्बैंड का ऑपरेशन का सेवा सरम नर्सिंग होम था, नहीं श्री राम जानकी नेत्रालय, वहीं पर सिलाई लाई भी हुआ था, 50,000 रुपया लगा था। तो वहीं जा रहे थे दवाई के लिए, तब गोरखपुरिया भौजी के घर गए थे तो उनके महादेव बोले कि भाभी हैं नहीं, आप लोग घर चले जाइए। तो नंबर दिए हम, नंबर पर इतना बार फ़ोन किए मदद मांगने के लिए, लेकिन फ़ोन वो नहीं उठाते हैं। तो हमारे सिस्टर यहाँ पर रहते हैं तो हम वीडियो देखे हैं भाभी का, बोली हैं कि छन छन बिटिया का जन्मदिन, आप लोग सभी लोग आइएगा, तो इसीलिए हम वीडियो देख कर आए हैं। अच्छा, बाकी उनसे बातचीत नहीं हुई है? नहीं। अभी कब से आई हैं यहाँ पे? आए हैं सुबह 7 बजे घर से निकले हैं, हमारे सिस्टर यहीं पर रहते हैं सिंघड़िया में, तो उनके पास आए हैं, तब उनके पास से यहाँ पे आए हैं, हमारे सिस्टर भी आई हैं। अच्छा, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई? हुई है, वहीं पे आए हैं। गोरखपुरिया भाभी से मुलाकात? नहीं, गोरखपुरिया भाभी से मुलाकात नहीं हुई है। देखिए, इतना दूर से सभी लोग एक ही उम्मीद में आते हैं लोग कि शायद गोरखपुरिया भाभी हमारे चैनल में बोल देंगी तो हमारा चैनल ग्रोथ कर जाएगा और 2 पैसे की इनकम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेहनत करना पड़ता है अपने खुद। गांव के भी लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाती है, ये करती है, वो तो यहाँ का बेटी हो गई, ये तो बताइए हम क्या करें। तो क्या चोरी वोरी करती है? नहीं, हमारे तो किसी का ये कोई करने वाला नहीं रहेगा, तो हम ही करेंगे, हम ही बच्चों को खिलाएंगे, अपने हस्बैंड को खिलाएंगे। तो वीडियो बनाती है तो किसी का चोरी करती है क्या? नहीं, तभी भी लोग जलते हैं, बोलते हैं वीडियो बनाती है, नाचती है, कूदती है, बोलते हैं लोग, तभी हम किसी को सुनते नहीं हैं, हम अपना वाली करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वीडियो में उनका सीन लेती हैं? नहीं, उनका नाम लेती हैं? नहीं, किसी का नाम नहीं लेते हैं हम। तो फिर क्यों दिक्कत होती है? क्या वो आपको खर्चा देते हैं क्या? नहीं, कोई लोग खर्चा नहीं देता। पहले हमारे घर में 2-4 लोग रोज आते थे, बोलते क्या बना है, खा के चले जाते थे। अभी तो हमारे हस्बैंड का जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से कोई नहीं पूछता है कि तुम लोग कैसे हो, तुम लोग खर्चा कैसे चलता है, कोई नहीं पूछता है हम लोग को। देखिए, आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या बीती है, लोग बहुत ताना मारते हैं। जब कोई बात होती है, कोई घटना हो जाती है, तो लोग जब आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अगल बगल वाले बहुत ताना मारते हैं, तमाम तरह से बातें बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि क्या हमारे बोलने से, ऐसा कहने से क्या इनका पर कोई फ़र्क पड़ेगा, या इनका परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, या फिर वो 2 रुपये देते तब कहते तो समझ में आता, लेकिन कुछ मदद भी नहीं करते, ना कुछ देते भी हैं, बस बोलते हैं कि ये कुछ न करें, मतलब कि चुपचाप बैठे ये। और ये जो लोग अगर इन बातों पे ध्यान देते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, लोगों की बातों को एक तरफ और हमें काम करना है। तो क्या काम करने में कोई दिक्कत परेशानी यूट्यूब पे? नहीं, हम काम करें, कोई भी कुछ भी कहेगा तभी भी हम काम करें, हम अपना पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने बच्चों को भविष्य को देखना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कराना चाहते हैं। दोस्त, किस कैटेगरी का वीडियो बनाते हैं? हम शॉर्ट भी बनाते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं, दोनों लोग बनाते हैं। दोनों लोग साथ में? साथ में, अपने हस्बैंड को वीडियो में बहुत कम लाते हैं, लोग देख के बहुत मजा लेते हैं गांव का, इसीलिए हस्बैंड को कम लाते हैं। आप लोग देखना चाहते हैं अपने हस्बैंड को तो हम वीडियो में जरूर लाएंगे, अपने हस्बैंड को दिखाएंगे। साथ में दोनों लोग बनाइए, क्योंकि जब वो अब काम नहीं कर पाएंगे तो उनका भी वही है कि उनके पास जो भी कला है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचे और शायद उन्हीं की वजह से चैनल ग्रोथ कर जाए। और कहने वालों को तो कहना ही है, वो कहेंगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे, बताइए। तो उनका कहना काम है, आपको काम करना है, ठीक है। तो अभी क्या नाम है चैनल के आपका? हमारे चैनल का नाम है प्रियंका सिंह 1998, और मेरे हस्बैंड का चैनल जो पहले चलाते थे उनका चैनल का नाम है विकास सिंह 1997। अच्छा, मतलब उनके आँखों जाने से पहले से ही चैनल बनाए थे? हाँ, बनाए थे, तो एक चैनल पता नहीं कोई हैंग कर लिया, फिर चैनल स्टार्ट किए तो उसमें 4,000 वाच टाइम पूरा हो गया था। एक बिहार गोरखपुरिया भौजी एक नंबर दी थी अपने चैनल पर, बोल रहे हैं मोनेटाइजर करते हैं, बिहार का हैं तो उनसे हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं पैसा भेजिए, हम मोनेटाइजर कर देंगे। हम लोग यहाँ से गूगल पे पूरा, हम उनका रिकॉर्डिंग भी है, पैसा भेजे थे गूगल पे, वो भी सब है, स्क्रीन शॉट रखे हैं, पता नहीं रात को क्या कर दिए, चैनल पूरा थी मानो एकदम जीरो हो गया वाच टाइम, 4,000 वाच टाइम पूरा हो गया था, 1200 सब्सक्राइबर था। चैनल खत्म हो गया? चैनल है अभी भी। अच्छा, पैसा भी ले लिए? पैसा भी ले लिए, बोल रहे हैं कि अभी रिव्यूज आ गया है, दूसरे के वीडियो डाले थे, हम किसी का वीडियो नहीं डाले थे, अभी बोल रहे हैं कि 1 महीना के बाद अभी फोन करने से फोन नहीं उठाते हैं। कितना भेजे थे पैसा? 4,000 भेजे थे पैसा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, दूसरे का मदद करिए और वीडियो बनाइए, आपको वहाँ से इनकम होगी। ऐसे जब इनके पास खुद नहीं पैसा है, खुद ये परेशान है, और इनसे आप पैसा लेके इनका चैनल मोनेटाइज करेंगे तो ये पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं और आप लोग इन्हीं से पैसा ले रही हैं, मतलब सोचना चाहिए कि ये कहाँ से पैसा व्यवस्था कर रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे लोगों का जो गरीब होते हैं, जो नहीं कुछ कर पाते हैं, उन्हीं से पैसा वसूलते हैं और चैनल मोनेटाइज करने के नाम पर तमाम तरह से, और ये नहीं सोचते हैं कि क्या आपके चैनल मोनेटाइज करने से इनको फिर इनकम आना शुरू हो जाएगा। नहीं आएगा उस तरह से। जब तक आप इनको पूरी तरह से बताएंगे नहीं कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से क्या करना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, पैसा ऐंठते हैं। तो अभी यहाँ पे आ रही हैं तो आई हैं तो क्या उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद है कि आप लोग सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए कि हम भी आगे निकलें, अपने पैर पर खड़ा हो सकें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं दोबारा इनसे मिलूंगा और फिर जो भी आपका सवाल होगा मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।